यहाँ पे पहाड़ों में सुकून जो है, खामोशी, हवा की भी जैसे आवाज़ आ रही है। ये आ गई है मंटू का वाटरफॉल, जो कि अभी पानी इसमें कम है। सर्दियों में फिर पानी कम हो जाता है, गर्मियों में पानी ज़्यादा आता है। हुसैनी लेक की तरफ से अब वापस जा रहे हैं। अब धूप अच्छी लग रही है। ये ट्रैक आखिर में जाके था गंदा, लेकिन शुरू में जिस तरह से बीच में वैलीज आ रही थी, गांव थे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्योंकि आप जब पहाड़ के उतना ऊपर जा रहे होते हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार इतना खुला मैदान से होंगे और इस तरह से करके चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे उस तरह से गलियाँ और रोड और उसके आसपास चीज़ें जैसे ये कोई मैदानी इलाका हो। जनाब पता नहीं कैमरा जगह की खूबसूरती, इस पानी की कलर्स को, और यहाँ पे पहाड़ों में सुकून जो है, खामोशी, हवा की भी जैसे आवाज़ आ रही है, और ये भैंसें जो चल रही हैं इनके पाँव की आवाज़ आ रही है। वाह क्या है। चलें आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आज की हमारी डेस्टिनेशन है मंटोपा वाटरफॉल। कम हो गया ये कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग आते जाते रहते हैं जगहों पे, तो लोकल कम्युनिटीज दे डोंट बदर कि वो किसी तरह से भी इंट्रैक्ट करें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि ये लोग जनाब अभी हम पहुंच गए हैं मंटोपा वाटरफॉल के चौक पे,
लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो मंटोका वाटरफॉल आ जाएगी 5 किलोमीटर्स के बाद। सामने जो इसका वो मड गार्ड है वो उसका एक पेच निकल गया, उसको सही करना है। सलाम अलैकुम सर, ये इसका एक पेच निकल गया है वो लगाना है, तो वो सही करा के तो फिर निकलते हैं उस तरफ। शिगर 49 का 254 और 5 किलोमीटर्स मंटोका वाटरफॉल। चले अब यहाँ से मंटोका वाटरफॉल की तरफ फिर बढ़ेंगे। वेलकम टू मंटोका वाटरफॉल। और ये वेलकम करने के लिए हमें जवान खड़ा हुआ है एक, जो हंसते हंसते जो है ना टिकट काटेगा। और सुनाओ ठीक हो? अच्छा क्या कितना है यार? अकेले ही? अकेले इस्लामाबाद। वो थक गया यार, कोई 14-15 दिन हो गए अब तो तंग आ गया। हैं? नहीं अब इसी पे जाऊंगा, बात एक ही है, ये आगे जरूरत तो नहीं है, बस वे पकड़ लो क्या करना मैंने। अल्लाह अकबर। चले जी अब पहुंच गए हैं बाइक पे। आ गई है मंटोका वाटरफॉल, जो कि अभी पानी इसमें कम है, सर्दियों में फिर पानी कम हो जाता है, गर्मियों में पानी ज़्यादा आता है। टांगे भी जो है ना रह गई हैं, टांगे भी अब कह रही हैं कि बस भाई बस करो, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो एनीवेज चल के देखते हैं तो मंटोका वाटरफॉल, इसके व्यूज़ और यहाँ पे कुछ
चाय शाय पीते हैं, चिप्स शिप्स खाते हैं, ये ज़्यादा भूख तो नहीं है। फिर ड्रोन शॉट्स लेते हैं और निकलते हैं। डोगा वाटरफॉल आज से कोई 8 से 10 साल पहले मैं आया था और ये वाटरफॉल मुझे इंतहाई पसंद आई थी। उस वक़्त मैं व्लॉगिंग एज सच नहीं कर रहा था, ना ही मेरे पास कोई ज़बरदस्त किस्म के कैमरे होते थे, ना ड्रोन। लेकिन एक चीज़ जो मैंने उस वक़्त बहुत मिस की कि यार ये जो ऊपर पानी आ रहा है इसका सोर्स क्या है। और काफ़ी अरसा बाद जाके फिर ये पता चला कि मंटोका वाटरफॉल एक इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल वाटरफॉल है और इसका सोर्स एक पानी का आर्टिफिशियल चैनल है जो कि बनाया गया है और उससे पानी को रीडायरेक्ट करके यहाँ पर लाया गया। तो ये चीज़ बहुत अरसे बाद जब पता चली तो फिर मेरे दिल में आया कि यार काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं यहाँ पर जाके फ्लाई करता और फिर ये देखता। बहरहाल स्टिल मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, वेदर इट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हमारे लिए तो ये वाटरफॉल है जो कि एक इंतहाई खूबसूरत है। हमेशा की तरह आज भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।